बताया उसे? वो वापस चला गया। वापस चला गया? मुझसे मिला भी नहीं वो? मुझे क्या पता क्यों नहीं मिला। अम्मा ने उसे बताया कि मैं माँ बनने? तुम अब भी ये समझ रही हो कि अम्मा तुम्हारा साथ देंगी? पर मैं अब कुछ नहीं हो सकता आपा। तुम्हारा सबसे अपना, जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया ठुकरा दी, उसी ने छोड़ दिया तुम्हारा साथ। मैं बिलाल को कहकर वकील करवाती हूँ। मत कहना। पर आपा, शहला, आप लोग उधर जरा देख लें। मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमने मना कर दिया। जानती हो? जानती हूं आपका कहना न मानने की सजा क्या होती है। मैं तो पहले ही गुनहगार हूं, थोड़ी और सजा दे सकती हैं आप मुझे। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी जेल है, जो चाहे सो पूछे। शैला, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। तड़पने दे उसे, उसके हक में यही बेहतर है। देखो शैला, जब तक उसे कुछ मालूम नहीं था तब तक तो बेहतर था, लेकिन अब अगर वो तुमसे मिलने आएगा तो कानूनी तौर पर मैं उसे रोक नहीं सकूंगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मुझसे पूछ रही हैं या बता रही हैं मुझे। बताने आई हूं, लेकिन शायद इस बार मैं आपकी ये बात नहीं मान सकूंगी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत अच्छी कैदी हो। तुम मुझसे पहले से उस जेल में, और मैं कई सालों से तुम्हें देख रही हूं कि तुम्हारी हर बात अच्छी होती है और शायद मानने वाली भी होती है। जेल के बहुत सारे मसलों में तुम्हारा मशवरा भी सुना है। लेकिन शैला, तुम यहां गलत हो। मैं भी एक माँ हूं और मुझे पता है कि एक माँ के लिए बेटे की क्या तड़प होती है और एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए कैसे धड़कता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एसएसपी साहिबा, क्या बताऊँ आपको, मेरे दिल ने शायद धड़कना ही बंद कर दिया है। अगर दिल ने धड़कना छोड़ दिया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होती, कब की मनोमट्टी नीचे दब चुकी होती। शैला, मेरी तरफ देखो, मैं आज यहाँ एक एसएसपी नहीं बल्कि एक औरत और एक माँ होने के नाते तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि तुम एक बार अपने बेटे से मिल लो, उसका इसमें कोई कसूर नहीं। और हाँ, सुबह क्लासेस ले लेना, उन बेचारी जेल वालियों का क्या कसूर है जो तुमसे पढ़ना चाहती हैं।